हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 10 to ITI। आज हम मैथ की क्लास का पहला दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद क्या है? परिभाषा, वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात दो होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax² + bx + c = 0। यहाँ a, b, c वास्तविक संख्या है तथा अल्फा बीटा शून्यंक है, अर्थात शून्यांकों का योगफल बराबर α+β - b/a। शून्यांकों का गुणनफल बराबर α×β = c/a। त्रिघात बहुपद क्या है? परिभाषा, वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax³ + bx² + cx + d = 0। यहाँ a, b, c, d वास्तविक संख्या है तथा अल्फा बीटा गामा शून्यंक है। पहला प्रश्न, द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। x²-2x - 8। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आखिरी संख्या कौन सी है। यहाँ पर आखिरी संख्या है -8 और दूसरी संख्या है -2, यानी कि गुणा करने पर 8 आए और प्लस या माइनस करने पर 2 आए। ऐसी हमें दो संख्या ढूंढनी है। जैसे कि -4 × 2 करेंगे तो -8 प्राप्त होगा और -4 + 2 करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। अर्थात इसे आगे करते हैं, x²-2x - 8 फिर से लिख देंगे। उसके बाद जो संख्या हमने सोची थी उसको क्रम से जमाना शुरू करेंगे। जैसे x²-4x + 2x - 8, इसके बाद इसका दो दो के इसमें जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाने के बाद जो संख्या कॉमन निकलती है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। जैसे x²-4x में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x-4, बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह और इसमें से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। फिर अंदर बचेगा x-4, इसको दोबारा गुणा करके भी देख लीजिएगा ताकि ऊपर वाली संख्या ही प्राप्त हो, तो हमारा सोची गई संख्या बिल्कुल सही है। इसके बाद जो x-4 और x-4 दिख रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद बची हुई संख्या को भी कोष्टक में लिख लेंगे। अब हम शून्यांक निकालते हैं, x-4 = 0 कर लेंगे। उसके बाद x को वहीं रोक देंगे क्योंकि x का मान निकालना है। माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब x = 4। दूसरा शून्यांक निकालेंगे, x + 2 = 0। यहाँ पर भी x का मान निकालना है तो x को वहीं रोक लेंगे। यहाँ पर प्लस का 2 है तो बराबर के उस तरफ जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, x = -2 आंसर। अर्थात द्विघात बहुपद के जो दो शून्यांक थे वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। अतः सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए शून्यांकों का योगफल α+β लेंगे, बराबर जो हमारा अल्फा का मान है यानी कि 4 प्लस जो हमारा बीटा का मान है यानी कि -2 लेंगे। α+β = 4 + (−2). इसको हल करने के बाद तो हमें प्राप्त होगा आंसर 2। अर्थात हम तुलना करेंगे -x² / x² यानी कि 2/1।
शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान जो हमारे पास प्राप्त हुआ था वो लिखेंगे गुणा जो हमें बीटा का मान मिला था उसे लिखेंगे माइनस का दो। इसका गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होगा माइनस का एट अतः लिखेंगे अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का एट बटे एक अर्थात तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ कि हमने जो शून्यांक के शून्यांक निकाले हैं वह सत्य हैं। दूसरा सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक का योगफल माइनस तीन एवं गुणनफल दो है। पहले हम मानेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक अल्फा व बीटा है। फिर इसके बाद शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो हमको क्वेश्चन में दिया है बराबर करके माइनस का तीन। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस का तीन। फिर निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा लिखने के बाद बराबर जो हमें गुणनफल क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे दो। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए बराबर दो। इसके बाद हम माइनस जो शून्यांकों का योगफल था उसका माइनस का बी और माइनस का तीन में से माइनस को काट लेंगे। उसके बाद तीन और ए का पक्षांतर कर लेंगे यानी कि बी अपॉन तीन बटे बराबर ए अपॉन एक कर लेंगे। उसके बाद शून्यांकों का जो गुणनफल लिखा था सी अपॉन ए बराबर दो तो इसमें भी हम दो का पक्षांतर कर लेंगे, दो को नीचे रख कर लेंगे और एक को ऊपर ले लेंगे यानी कि सी अपॉन टू बराबर ए अपॉन एक। इसके बाद हमें इसको ए बी सी डी के क्रम में इसको जमा लेंगे। हमारे पास यहाँ पर है ए बी और सी अर्थात इसको हम जमा लेते हैं। ए अपॉन एक बराबर बी अपॉन तीन बराबर सी अपॉन दो अर्थात जो बटे सही में होता है वही उस संख्या का मान होता है जैसे कि हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। अर्थात हमें प्राप्त हुआ कि ए का मान एक होगा, बी का मान तीन होगा, सी का मान दो होगा। जो बटे सही में होता है वही उसका आंसर होता है। अतः जो बहुपद माना था उसमें ए बी और सी का मान रख देंगे अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। यहाँ पर ए के जगह ए का मान रखेंगे, ए का मान एक है, एक का मान रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान थ्री एक्स सी का मान टू बराबर ज़ीरो अर्थात हमें द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना था अतः यह हमारा आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।